जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज का दिन है संडे, तो भाई संडे को देखते हैं क्या होता है फंडे वाला सीन। तो फिर अभी मैंने नहा धो चुका हूँ बिल्कुल, और अब मैं मुझको ना चाय चाहिए। आज मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, और मैं कल वो वाले सिंघाड़े लेके आया था। तो अन्नू पूछते हैं, क्यों अन्नू अभी नहीं, एक बार जा रहा है उसको बनाने। अरे बउआ को नहलाने लगे थे, 5 मिनट में बना देंगे। हमने सोचा ये सो जाएगा, फिर टाइम बहुत हो जाएगा। कबाड़ी कबाड़ी अन्नू अन्नू हो गई शैतान सिंह। तो चलो भाई अभी चाय बनने जा रही है, और जो कल सिंघाड़े लाए थे उनको बढ़िया डीप फ्राई करा के, प्लस फ्राई नहीं कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ रोस्ट कराएंगे। ये रखे हैं, ये देखिए, देखने में बिल्कुल चिकन जैसे लग रहा है ना, जैसे बोटी वोटी में काटा जाता है। तो फिर अभी कब महक रहा है तो? चलो अभी बनाओ, फिर खाते पीते हैं। तो भाई अभी हमारी चाय और सिंघाड़े आ गए, सट बटा रहे भाई। सिंघाड़े खाने में इतने टेस्टी तो नहीं लग रहे हैं, पर अच्छे लग रहे हैं। तो नमक कम है ना, तो नमक डाल लो ऊपर, तो नमक काला नमक डालो या किला, अभी टेस्टी नहीं लगेगी बाहर की। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी, बहुत अच्छी है भाई। देख लो कितने बढ़िया बने हैं, आप देख सकते हैं इसको कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, है ना। धनिया इसकी खूबसूरती बढ़ा रही। अभी अन्नू इसमें काला नमक डाल के इसको और बढ़िया तलतलाबाद बना देंगी। हमने थोड़ा नमक कम डाला था, पापा को जल्दी नमक तेल लगता है। फाउंडेशन पाउडर है, हां लगा दो बस? लगा दो और डालो। गिर गया बस। तो भाई आज क्या बन रहा है खाने में, जरा हमको भी बता दो। ओए गुंडू, क्या हां बन गई है एक ही साथ? तो पूड़ी निकी लगती है खूब भयंकर, नहीं खाई भी ना पूड़ी, लेकिन पूड़ी ना खाई भी, रोटी बनानी है। चावल रोटी बनानी है, चावल कुकर में चढ़ाएंगे। दाल बन गई, दाल बन गई। ये जानते हमने का वीरा, इसको पकड़ो वीरा, ये दे दो दे। ए ए हीरो। तो भाई अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और आज हमारे खाने में ये क्या सब्जी है, मेथी की आलू की सब्जी, दाल रोटी मूली सूली सब है। तो ये देखिए भाई हमारा प्यारा खाना, और इस खाने को खाते हैं। मस्त खाना बना, मजा आ गया। तो भाई अभी मैं रेडी हो गया हूँ, और मैं जा रहा हूँ अभी एक कैमरा परचेस करने के लिए, जिससे मुझे उस कैमरे से एक स्टूडियो बिजनेस ओपन करना है। क्यों भाई हंस रहे हो ना गुरुजी? चलते हैं फिर मार्केट कैमरा देखने के लिए। पूरा पता तो कर लिया है, पर एक बार खुद भी जाके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो भाई ये देखिए अभी मैं कैमरा लेने के लिए आ गया हूँ यहाँ पे नाइकॉन के शोरूम पे, जो कि परेड चौराहे पे है। तो भाई अभी हम एक अपने पप्पू भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, हम करण भाई हैं, वो भी आ जाए तो फिर साथ में लेते हैं। उनको थोड़ा कैमरे की ज़्यादा नॉलेज है, मुझे कम। तो फिर आई एम वेटिंग, वेट कर रहे हैं हम लोग। तो भाई अभी हम लोग यहाँ कैमरा लेने आए थे, ये तो फोटो बनी ये वाला, पर भाई वो कैमरा अभी आज अवेलेबल नहीं है, पर वो कल क्या मेरे भैया बोल रहे थे ना, वो 12 के बाद दे देगा, तब वो कैमरा लेंगे, फिर शूट ऑन मैरिज एनिवर्सरी, वो कौन सा गाना इसे। तो भाई घर आ गया हूँ, और कल जाना है मुझको अब कैमरा लेने। कल दोपहर में वो कैमरा आ जाएगा, चाहे जहाँ से वो भाई। कानपुर में अभी तक सिर्फ वो सिर्फ 3 पीस बिके हुए हैं, और चौथे आदमी हम ही होंगे कानपुर में जो वो कैमरा खरीद रहे होंगे। बाकी भाई पता नहीं यार किसी ने कहीं और से खरीदा होगा, पर भाई उस दुकान वाले का ये कहना है कि भाई चौथे आदमी आप हो जो ये कैमरा खरीद रहे हो। तो भाई जिस भाई को भी कैमरा रेंट पे चाहिए हो, संपर्क करना, नंबर के लिए कमेंट कर देना अपना नंबर, मैं आपको कॉल कर लूँगा, या आप अपना मेल मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या आप मेरी मेल पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर ऐसे पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो जिस भाई को भी रेंट में कैमरे चाहिए हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है।
तो भाई डिनर का टाइम हो गया और आज डिनर पता है मेरे घर पे क्या बने हैं? क्या है आप लोग तो जानते ही होंगे, ब्रेड पकौड़ा। तो भाई अन्नू ने आज ब्रेड पकौड़ा और बढ़िया हरी चटनी बनाई है। तो भाई डिनर करने जा रहे हैं और इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। और भाई आप लोग धीरे धीरे अपना प्यार दिखा रहे हो, प्लीज़ जल्दी जल्दी दिखाओ ना। 473 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 500 कर दो तो बहुत अच्छा होगा भाई, केक काटेंगे एक। और भाई कल कैमरा लेने जा रहे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम।